सुनाई हमने मार्केट में सब्जी अभी खरीद ली है और मोमो गोलगप्पे थे और ये कितना बड़ा गोलगप्पा है और ये वाले बस बना लिए दही वाले। वेलकम बैक टू माई चैनल पूजा मोहित ब्लॉग। सो आज हम अपना आज का मौसम बड़ा ही प्यारा है क्योंकि बारिश पैदा नहीं हुई है पर देखो बिल्कुल काले बादल रखे हैं और इधर भैया का कर रही है बरसा सामान पैक क्योंकि आज है भैया का शूट और सुबह से ही भैया ने बिल्कुल भी एक थोड़ा सा भी पानी भी नहीं पिया है। कल से मतलब एक हफ्ते से ही डाइट फॉलो कर रहा है बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाली डाइट जिससे रोटी तो बिल्कुल भी नहीं नाम ही नहीं है रोटी का और आज तो कल से तो कल शाम से आज बिल्कुल ही पानी भी नहीं पिया है और आज बिल्कुल भी नहीं पियेंगे पानी। तो चलो भैया से पूछते हैं कि ऐसा कैसा सूट है जिसमें आप इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। पापा एकदम नहीं जाना हम लोग ना बिल्कुल भी नहीं सोए मैं तो सुबह से चोटी वोटी कुछ भी नहीं बनाई इतने ज्यादा मैं और बरसा पता ये भी इसको भी ध्यान भूल जाता तो कभी कभी ये भी चोटी नहीं करती है। मैंने तो बिल्कुल नहीं किया बाल वाल ठीक आज पर ये ओरिजिनल ब्यूटी है। गाइस आज हम सोच रहे थे पर इतना मौसम खराब है ना मैंने सोचा था कि आज हम लोग टिक्की बनाए मतलब गोलगप्पे बनाएंगे घर पे क्योंकि मम्मी ना बहुत ही मस्त गोलगप्पे बनाती है जो की मार्केट के गोलगप्पों को ही सेल कर देते हैं पर ना और आलू प्याज घर पे हो गए खत्म तो फिर कैसे बनेगा अभी हो रहा है दिमाग खराब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जी वाला आता है ठेला एक शॉप लगती थी सब्जी की वो उन्होंने रखना बंद कर दिए तो सिर्फ ठेले वाला ही सब्जी बेचता था तो वो आया नहीं है तो बड़ा दिमाग खराब है। और सुबह से ही हम लोगों ने जो चने वगैरह छोले वगैरह गला दिए थे क्योंकि टिक्की हम लोगों को खानी थी पर अब क्या करें अनफॉर्चुनेटली बस देखते हैं अगर मैं और बरसा जा पाए अगर ऐसा ही मौसम बना रहा तो फिर मैं और बरसा भी जाती है मार्केट भैया चले जाए उसके बाद में क्योंकि भैया क्या अगर बिल्कुल भी नहीं घर से बाहर निकल पाएंगे क्योंकि भैया बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं कि बाहर जाओ पर भैया शॉप पे चले जाए भैया शॉप पे इसीलिए और नहीं है क्योंकि आज भैया सुबह से ही मतलब थोड़ा वीकनेस हो रही थी क्योंकि पानी वानी नहीं पिया। चलो अंदर आओ तो मेरी ऑडियंस पूछ रही है इतनी स्ट्रिक्ट डाइट क्यों फॉलो की जा रही है सुबह से आज मेरा फूड डे और जब फूड करता हूँ तो पूरा डेडिकेशन के साथ करता हूँ नहीं तो नहीं करता हूँ नल्ले बेरोजगार लोगों की तरह। ये देखो बैग पैक हो गया है और बैग में शायद कितने जोड़ी कपड़े डाल लिए उसमें कपड़े शेकर प्रोटीन जो भी मतलब एड फूड है वो करने जा रहा हूँ और जिन लोगों को आपको देखना है वो किस पे जाके देखे वो वीर फिटनेस करके इंस्टाग्राम है वहाँ पे जाके देख सकते हो अदरवाइज यूट्यूब पे भी आप लोग वीर फिटनेस करके है ये देखो एप्स ओए ओए नजर नहीं लग जाए और इतनी मेहनत और फेस बिल्कुल डाउन हो गया क्योंकि बहुत ही सुबह से पानी वानी कुछ भी नहीं पिया है तो बस अभी जाएंगे भैया शॉप पे फिर रात के 12 बजे भैया को होगा शूट और नेक्स्ट डे आप जाके देख लेना वीर फिटनेस इंस्टाग्राम भी है भैया का और यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे आपको भैया की प्यारी प्यार बढ़िया वीडियो मिलेंगी जो फिटनेस से सारी रिलेटेड होंगी। सो भैया की आईडी चेकआउट कर लेना और मैं देखो कैसी भूतनी बनी सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी बज गए हैं शाम के 6 और मैं और बरसा जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट में मार्केट नहीं मतलब पास में ही नुक्कड़ है वहाँ पे थोड़ा सब्जी वगैरह का ठेला लग रहा था क्योंकि आज हमको खानी है गोल गप्पे वो भी मम्मी के हाथ के क्योंकि मार्केट से भी मम्मी बहुत अच्छे बना लेती है। सो मम्मी के हाथ खाने आज सब्जी वाला मैंने जैसे कि बताया था कि सब्जी वाला नहीं आया था इस वजह से घर पे प्याज और आलू वगैरह हो गए खत्म तो वहाँ से थोड़ी सब्जी भी ले आएंगे और थोड़ा घूमना भी थोड़ा मतलब टहलते हुए वो भी आएंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और मैं और बरसा हो गया रेडी सभी थोड़ी देर से निकलते हैं। तो जब तक परी सो रही है अगर परी जग गई तो वो जरूर मचाएगी साथ में जाने के लिए तो चलते हैं फिर रास्ते में जाके मिलते हैं आप सबसे। बाय गाइस हम लोग निकल चुके हैं और अभी ना क्या कहते हैं बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल भी निकलने की इच्छा नहीं हो रही थी पर ये इतनी बेकार है ये बिना ले जाए मेरे को मानती नहीं है। सो खाएंगे दीदी के पैसों से मेरे पैसों से खाएगी और क्या लेकिन मेरे को खिलाने में कोई इशू नहीं है पर मैं जो खा लेती हूँ ना वो मेरी हेल्थ के लिए एकदम सही नहीं है पर एक दिन के लिए कुछ नहीं होता और कसम से इतना अच्छा मौसम है ना बारिश वैसे हो रही है पर इतनी ज़्यादा किचकिच इधर तो नहीं हो पर आगे जरूर मिलेगी क्योंकि आगे रास्ता बेकार है तो काफ़ी दूर पड़ जाता है यहाँ से जैसे कि जो मेन रोड है बहुत आगे है पर हम लोगों को घर में बैठे बैठे बोर ही हो रहे थे सोचा कि थोड़ा बाहर घूमना भी हो जाएगा और इसी बहाने में सब्जी वगैरह भी ले आएंगे और क्या कहते हैं हमको खानी है पानी पूरी तो उसके लिए तो भाई थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी और क्या 2 दिन से सब्जी वाला नहीं आया मल्टी में इसीलिए और ज़्यादा
लग रहा है। सो चलो मिलते हैं। हाँ सब्जी लेने। सो चलो एक हाथ मैं सोच रही हूँ यहाँ पर रील वगैरह भी बनवा लूँगी अपनी, पर देखते हैं। इधर रास्ता ना बिल्कुल ऐसी है, कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इधर ना बहुत सी जगह खाली ही है और माहौल बहुत बढ़िया है। माहौल सही है, एकदम शांति भरा। इतनी दूर और जाना पड़ेगा, पहुंच गए मंजिल सामने। ये देखो ये जो मंजिल फटफट आते गई है, इधर ना कितनी मल्टी बन रही है, ये देखो ये सब तैयार हो रही है, मल्टी तैयार हो रही है और इस साइड कुछ भी नहीं है, पूरी मल्टी तैयार होंगी। और कल देख रहे मम्मी मम्मी ये देखो ईंट वाली मल्टी, ईंट वाली मल्टी। लेकिन नहीं बेटा है भाई ये बन रही है, तैयार हो रही है और हम बस आ गए। ऑलमोस्ट बस आ गए। अब क्या ऐसा लगा नहीं, डबरा से फीलिंग आई क्योंकि डबरा में नॉर्मली हमको इतना ही चलना पड़ता था घर से, तो अच्छा भी लगा है। देखो हम कल फिर आएंगे, सभी चलते हैं और जाके फिर मिलते हैं। हम लोग आ गए हैं, ये देखो पुलिस का फेमस है। फेमस क्या है पगली, ये इसी नाम से जाना जाता है, रोड पुलिस। हम लोग आ गए मेन हाईवे पे और वर्षा बोल रही है अभी हाईवे से भी इतना ही ज्यादा चलना पड़ेगा तो मैं तो हो जाऊंगी पागल, पागल हो जाती हूँ। चलते चलते मेरे पैर में दर्द होने लगा है और ऊपर से मैं ना फ्लैट नहीं पहरा, हील्स थोड़ी सी वेयर की है मतलब उसमें, तो इसलिए और चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कितना एंजॉय करते करते आए क्योंकि इसको आदत है, सुबह आती है इसीलिए इतनी फिट भी है। आ गए मार्केट में, कितनी दूर पैदल चल चल के आए हैं। बस आ गई है देखना इसे। प्याज और कर दो 1 किलो। हाँ आम कैसे दिए? 50 रुपए किलो अभी। सो गाइस हमने मार्केट में सब्जी वब्जी खरीद ली है और मोमो खाने के लिए आए थे, मोमो हमको मिले नहीं है। सो अभी हम लोगों ने मोमोज खाए, मोमोज का ठेला लगानी था और पानी पूरी तो ऑलरेडी मम्मी घर पे बनाने वाली हैं तो कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो सोचा जब आए मार्केट में तो थोड़ी कोल्ड ड्रिंक ही। मेरे को ज़्यादा था, अब मेरे को पता नहीं कि ऑयली चीज मतलब ज़्यादा मैं खाती नहीं हूँ, मतलब खाती हूँ बिल्कुल अवॉइड नहीं करती हूँ, पर ऐसा अलाउड नहीं है ना। कसम से मैं अगर खा लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है, पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरे को। सो मैंने तो डियो लिया है, मुझे या तो माउंटेन डियो का, मैं तो बस माजा पीती हूँ और कोई नहीं पीती। माजा इसके जिया जी बहुत पीते हैं, इसके और इसके जिया जी की एकदम गंदी चॉइस। चलो चलते हैं जल्दी से घर पे जाके मिलते हैं, बहुत दूर चलना भी पड़ेगा थोड़ी सी सब्जी के लिए इतना, ठीक है अच्छा लग रहा है शाम के टाइम। तो चलो मिलते हैं घर पे जाके। सो फाइनली हम लोग आ गए थे घर पे और घर पे आने और रास्ते में परीक पापा को फोन आ गया था तो फिर उनसे बात करने लगी तो फिर मेरे को घर पे आके ब्लॉग बनाने की भूल गई ध्यान। और जब से मम्मी ने पूरा गोलगप्पे की रेसिपी रेडी कर ली है तो अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या मतलब बनाए। ये रेडीमेड गोलगप्पे थे और ये देखो कितना बड़ा गोलगप्पा है, और ये वाले बसवा बना रही है दही वाले। हाँ ये परी गोपी इसके लिए सॉस डाल के, और ये देखो पानी जो कि वर्ल्ड का सबसे टेस्टी पानी है, और ये दही है, और ये देखो आलू जो कि कभी भी तुम्हें ठेले पे इतनी सफाई से और इतनी अच्छे से नहीं मिलेंगे, प्योर हाइजीनिक बहुत अच्छी बनाते हैं। सो गाइस आजा आप सब लोग भी टेस्ट कर लो, अगर पास में होते तो सभी को टेस्ट करा से ऑफकोर्स। और चलो हम लोग तो दही हम लोग तो अपने, और ये गोलगप्पे बहुत ही मतलब टेस्टी बने हैं क्योंकि देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहे हैं। सो अभी हम लोग इंजॉय करेंगे और खाएंगे। सो चलो परी टूट जाएगा मेरा गुस्सा होंगे। चाकू रख क्या, चाकू रख क्या।